हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों रोज, जी हाँ दोस्तों, अक्षय चक्रवर्ती की मूवी रोज का ट्रेलर रिलीज हो गया है दोस्तों। हालांकि छोटी बजट की मूवी है और लोगों की नज़र में नहीं है ये मूवी, लेकिन हम लोग ट्रेलर देख चुके हैं दोस्तों। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं टॉम भाई, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अक्षय चक्रवर्ती की मूवी जो कि रोज का आपने ट्रेलर देखा, चलिए आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपको किस खास तरीके से पसंद आई ये ट्रेलर। तो अभी एक ट्रेलर निकला है रोज करके, पर पहली बात तो ये बोलूँगा, मिथुन चक्रवर्ती का छोटा बेटा जो अभी थिएटर में एक हाल ही एक पिक्चर निकला बैड बॉय, वो पब्लिक के दिलों में छा रही है और पब्लिक पॉजिटिव रिव्यूज़ भी दे रही है उसके लिए, और मेरा भी रिव्यू है उसके अंदर। अभी बड़े भाई आ रहे हैं अगले महीने, जो हालांकि उन्होंने जिम्मी से अपना लॉन्च किया था पिक्चर, डेब्यूट किया था, और फिर बाद में उनको नाम मिला था हॉन्टेड पिक्चर से, जो मतलब मेरे को तो सबसे फेवरेट हॉरर मूवी लगती है हॉन्टेड। और उसमें एक्टिंग लाइन भी अच्छी थी हमारे अक्षय चक्रवर्ती के, तो उसके बाद उनकी पिक्चर इतनी कम दिखने मिलना, मतलब मैंने शायद से उनकी जो हॉन्टेड ही देखी रहेगी आज तक, और कोई मूवीज नहीं देखी रहेगी। और कौन सी मूवी उनकी आई नहीं आई पता ही नहीं है, पर अभी एक ट्रेलर निकला है रोज करके। अभी रोज का ट्रेलर की एक बात बोलूँ तो ठीक है, मतलब सस्पेंस भी है, ट्रेलर है, तो मतलब सस्पेंस ट्रेलर मूवी देखने मज़ा आता है देखने के लिए। पर सस्पेंस ट्रेलर ना एकदम बोले तो ऐसा नहीं कि जैसे हम लोगों ने आर मधवन की धोखा मूवी देखा था, वैसा कुछ फीलिंग नहीं आना चाहिए। पर अगर मैं जब तक ट्रेलर देख रहा था बहुत अच्छा लग रहा है, पर अक्षय चक्रवर्ती की बात करूँ उन्होंने वेट बहुत गेन कर दिया यार। हॉन्टेड में कितने दुबले थे क्या, मतलब डांस भी अच्छा करते थे एकदम, डांस भी किया था उन्होंने, तो हीरोइन हंस रही थी ना, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब वेट गेन कर दिया, मतलब शौक बोला कि क्या हो गया भाई को इतना, मतलब वेट थोड़ा गेन कर दिया, थोड़ा बॉडी वीडी बना के आना चाहिए था। पर एंगल लुक तो अभी वैसा है, मतलब एकदम वैसा है और ऐसा वो एंगल लुक में दिखते। थोड़ा ट्रेलर के बाद में ट्रेलर पूरा मतलब सिर्फ ट्रेलर में भरा हुआ है कुछ, मतलब ऐसा और कुछ दूसरा कुछ दिखाया नहीं है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ मूवी कभी आए 13 मई को, और मैं जाके देखूँ, क्योंकि मूवी देखने के लिए मतलब मैं सस्पेंस ट्रेलर मूवी सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, भले सस्पेंस ट्रेलर मूवी में कुछ भी हो। अभी ट्रेलर में आप देखोगे कि तो वो एक डिलीवरी बॉय रहता है कुछ, तो कुछ देने आता है और वहाँ से कुछ तो स्टोरी स्टार्ट होता है, भले घर में क्या होता है क्या नहीं, किस चीज़ का क्या मर्डर क्या कुछ, मतलब बहुत कुछ सस्पेंस ट्रेलर मिलने वाला आपको देखने के लिए। और बस वेट कर रहा हूँ कि कभी 13 मई आए और मैं जाके देखूँ। हालांकि 13 मई को और एक मूवी आने वाली, पर वो पता नहीं आने वाली कि नहीं आने वाली, तो अच्छा है अगर स्क्रीनिंग भी अच्छा अकेला मिल जाएगा तो थोड़ा मतलब पब्लिक जाके देखेगी भी। फिर ट्रेलर सस्पेंस मूवी आजकल पब्लिक बहुत वेट करती है देखने को, पर उसमें दम होना चाहिए ट्रेलर सस्पेंस मूवी, यह मैं बोलूँगा। तो बस यही बोलूँगा, बाकी ट्रेलर इज़ ओके, एक्टिंग भी अच्छा है हमारे अक्षय चक्रवर्ती, तो कुछ बोलने की ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने हॉन्टेड में अपना परफॉर्मेंस दिया था, तो बहुत अच्छे से एक्टिंग किया। और हालांकि छोटे भाई ने भी अच्छी एक्टिंग की है बैड बॉय में, तो दोनों अपने सही जगह पे सही है। बस अभी वेट करते कहीं मूवी है और मैं देखूँ, बस ये बोल रहा हूँ। रेटिंग में 5 में से 3.5 दूंगा, क्योंकि ट्रेलर ओके लगा, पर अगर मूवी एकदम तगड़ी रही सस्पेंस कड़क रहा तो 5 के ऊपर भी मैं स्टार्ट दूंगा, ये बोलूँगा। थैंक यू।